आम आदमी पार्टी की पंजाब में ऐतिहासिक जीत को अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और अब पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने 6 राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ये प्रभारी पार्टी के प्रसार मिशन में जुट गए हैं। आपका एक ही लक्ष्य है कि जिन राज्यों में बीजेपी के मुकाबले में सीधे कांग्रेस है वहाँ कांग्रेस की जगह लेना। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के चाणक्य अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दिल्ली के सीएम का कार्यभार मनीष सिसोदिया को दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल अपना पूरा फोकस अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार में लगाएंगे, क्योंकि केजरीवाल को ये भी लगने लगा है कि यही सही मौका है जब कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और बीजेपी का विकल्प तलाशने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रसार को एक सिलसिलेवार ढंग से समझ जाना चाहिए। पहले पार्टी छोटे राज्यों में जैसे कि दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड में जाना चाहती है और आने वाले दिनों में बड़े राज्यों की तरफ बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र की पार्टी नहीं है, जैसा आजादी के बाद वाली कांग्रेस पार्टी थी। आम आदमी पार्टी भी उसी का एक छोटा संस्करण दिखती है। आम आदमी पार्टी के पास जो सक्षम चुनाव मशीनरी है ये उसका प्लस पॉइंट है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं, वहीं मंत्री गोपाल राय छत्तीसगढ़ में विजय यात्रा निकाल रहे हैं। पंजाब चुनाव में कुशल रणनीतिकार बनकर उभरे IIT प्रोफेसर संदीप पाठक को अब बीजेपी का गढ़ गुजरात भेदने का जिम्मा दिया गया है। वहीं हरियाणा में सौरभ भारद्वाज पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर रहे हैं। गुजरात में जहां दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होता है तो कुल 3 राज्य होंगे जिनमें चुनाव हो रहा है। यही नहीं, 2023 में भी चुनाव के हिसाब से एक बड़ा साल होने वाला है। 2023 में कुल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। पार्टी पंजाब में मिली जीत को आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भुनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी का टारगेट वो राज्य रहने वाले हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। पार्टी गुजरात और छत्तीसगढ़ में इसी रणनीति के तहत जोर लगा रही है। वहीं पंजाब के पड़ोसी राज्य हिमाचल और हरियाणा में भी पार्टी पंजाब की जीत के दम पर प्रसार की कोशिश कर रही है। सूत्रों का कहना है कि अभी टारगेट पर लोकसभा चुनाव 2024 है ही नहीं, बल्कि पार्टी अभी विधानसभा चुनावों के जरिए राज्यों में अपने कैडर तैयार करने में पूरा फोकस कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के अनुसार गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन में नए स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारा फोकस ऐसे राज्यों पर रहेगा जहां हम कांग्रेस का विकल्प बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है और कई सारे कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में हमें उन राज्यों में ज़्यादा माइलेज मिलेगा जहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल इसलिए भी खास है क्योंकि पंजाब से सटा हुआ है। आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि वो हिमाचल में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश में पार्टी को जिताने का जिम्मा दिया गया है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि पार्टी कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा हरियाणा आम आदमी पार्टी के लिए 2 वजहों से बहुत खास है। पहला तो ये कि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं और दूसरा हरियाणा आम आदमी पार्टी द्वारा शासित 2 राज्य दिल्ली और पंजाब के बीच आता है। पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक्टिव हो चुकी है। हरियाणा का प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता को बनाया गया है और चुनाव प्रभारी राष्ट्र प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 मार्च को निकाली गई विजय यात्रा में पार्टी ने बदलबो छत्तीसगढ़ का नारा दिया था। छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय को दी गई है। आम आदमी पार्टी 2017 में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन तब पार्टी बुरी तरह से हार गई थी।
आम आदमी पार्टी की इलेक्शन मशीनरी बड़े राज्य को कवर करने में कमजोर साबित हो सकती है, इसलिए पार्टी की रणनीति अभी छोटे राज्यों में पूरा दमखम दिखाने और पूरे दम के साथ उतरने पर है। इसके साथ ही कई बड़े राजनीतिक रणनीतिकार भी आम आदमी पार्टी को भविष्य में बीजेपी का ध्रुव विरोधी भी मानने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।